जिला उपायुक्त चंबा डीसी राणा द्वारा चंबा बाजार का दौरा कर कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त चंबा ने चंबा शहर में उन दुकानों को बंद भी करवाया जो प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार खुली नहीं होनी चाहिए थी। इस दौरान उपायुक्त ने चंबा अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया और कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की। आप सभी जानते हैं कि आज से जो है वो 10 दिन का जो लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू है वो शुरू हो रहा है और आज चंबा शहर में उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए हमने मार्केट क्षेत्र का दौरा किया है और लगभग उसकी पूर्ण अनुपालना है। कुछ एक दुकानें जो गलत खुली थी उनको हमने बंद करवाया और मेरी जनता से ये अपील है कि वो इस कोरोना कर्फ्यू का जो है अनुपालना करें ताकि हम जो चेन है कोविड स्प्रेड की उसको रोक सकें और हम अपने लोगों को जो है सुरक्षित कर सकें इस कंटेजियस डिजीज से। और अगर हम इस चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे तो उससे जो बड़ी तेज़ी से जो कोरोना फैल रहा है पूरे जिला में उसकी रोकथाम हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।